हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में। आज एक और वीडियो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक प्लांट है, इसे कहते हैं कलांचो, कुछ लोग कलांकोई भी कहते हैं। ये एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है। ये बहुत सुंदर फ्लावर्स आता है, इसमें गुच्छों में फूल आता है, क्लस्टर में फूल रहता है। मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा। और ये इसका बहुत सारा कलर होता है, 8-10 कलर आते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये पौधे को, आप एक छोटे से पत्ते से, एक सिंगल पत्ते से कैसे आप प्लांट बना सकते हैं, और आप स्टेम कटिंग से भी बना सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो आप ये जो पुराना पौधा अगर रहेगा, तो पिछले साल का ये पौधा है दोस्तों, मैं बनाया था कटिंग से ही। तो ऐसे 1 से 1.5 इंच का कटिंग ले लीजिए, ऐसे कटिंग ले लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ कटिंग ऑलरेडी मैं लेके रखा हूँ, तो मैं वो आपको दिखा दूँगा कैसे लगाना है। और आप एक काम कीजिए, अगर इसको पत्ते से लगाना हो तो ये जो बड़े पत्ते हैं नीचे का, इसका ऐसे ले लीजिए, कटिंग ले लीजिए, कोई भी एक शार्प कटर ले लीजिए या ब्लेड ले लीजिए, चाकू ले लीजिए, किसी भी, और ऐसे नीचे वाला जो पत्ता है वो काट लीजिए थोड़ा सा। और हम दिखाएंगे आपको कि ये सिंगल पत्ते से कैसे पेड़ बनाया जाता है। ये बहुत ही सुंदर फूल का पौधा है दोस्तों। तो ऐसे मैं ये 3-4 कटिंग ले लिया हूँ, और मैं एक गमले में मिट्टी ले लिया हूँ। देखिए ये फ्लैट गमला है ये, और इसमें मैं मिट्टी लिया हूँ। मिट्टी में मैं 50% करीब मिट्टी लिया हूँ नॉर्मल, और 50% मैं सेंड लिया हूँ। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कोई रूटिंग हार्मोन किसी कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको 1 इंच ऐसे गाड़ दीजिए, यहाँ पर 1 इंच अंदर डाल दीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे लगा देना है। सारे कटिंग्स में लगा देता हूँ। और ये जो पत्ते हैं इनको भी हम लगा देते हैं, ये पत्ते को भी लगा देते हैं। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें पानी दे देना है। पानी दे देते हैं, और इसको हम 15 दिन एक सेमी सेड एरिया में रख देंगे। उसके बाद इसमें रूट्स आ जाएगा, और मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं ये 15 दिन पहले ये एक कटिंग काट के लगाया था, तो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना अच्छा रूटिंग हुआ है, देख रहे हैं। ये मैंने सिंपल सैंड पे रखा था, तो आप लोग भी इसे आप सैंड में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कटिंग 100% चल जाता है। तो आप ऐसे ही कीजिए और कलंचो का कटिंग लगाइए। ये विंटर में बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, पूरा 1 महीना 1.5 महीना इसका फूल रहता है दोस्तों। तो आप ये पौधा ज़रूर लगाइए, कटिंग से लगाइए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।